द लास्ट लेसन। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज हम इसके रिवीजन को करेंगे और जिसमें हम मल्टीपल चॉइसेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको करते हैं ताकि हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए और इससे हमें जितने भी हमारे क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस को बनाने में मदद मिलेगी और कॉम्प्रिहेंशन के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस इंग्लिश क्लास में मैं रमन दीक्षित आपका इंग्लिश टीचर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आइए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी। तो राइटर कौन है इसके? राइटर हैं इस चैप्टर के हमारे अल्फोंस डाउडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी। नरेट कौन कर रहा है, स्टोरी को बता कौन रहा है? ठीक है, द लास्ट लेसन चैप्टर में स्टोरी को कौन बनाता है? बच्चा, जो बच्चा होता है छोटा सा, फ्रेंच, तो फ्रेंच बताता है। तो इसका आंसर है ए बॉय नेम्ड फ्रेंच इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। तो हु वॉज एम हैमल। तो एम हैमल कौन था? एम हैमल तो एक टीचर था और वो एक पैट्रियट भी था, मतलब वो देशभक्त था। तो आंसर इसका ए पैट्रियोटिक टीचर, तो वो एक देशभक्त टीचर था। व्हाट डिड फ्रेंच फियर एज ही हरीड टू स्कूल। तो जो फ्रेंच था वो किस बात से डर रहा था कि वो जल्दी जल्दी स्कूल जा रहा था? तो आंसर है इसका ही वुड बी रिवोक्ड फॉर कमिंग लेट। कि भाई रिवोक्ड होता है डांटना, कि भाई उसको डांटा जाएगा लेट आने के लिए, तो इसीलिए वो क्या कर रहा था, वो डरा हुआ था, ठीक है, और वो जल्दी जल्दी स्कूल जा रहा था। व्हाट थॉट केम टू फ्रेंच माइंड। भाई कौन सी थॉट थी जो फ्रेंच के दिमाग में आई फॉर अ सेकेंड, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। तो आंसर है इसका, तो उसके दिमाग में आई थी कि टू रन अवे, कि वो यहाँ से भाग जाए, भाई स्कूल से निकल जाए, भाग जाए वहाँ से, तो वो उसके दिमाग में एक थॉट आई थी। क्वेश्चन सिक्स है, व्हाट डिड फ्रेंच सी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जो बुलेटिन बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ था, जहाँ पे जो नोटिस बोर्ड था वहाँ का, तो वो वहाँ पे क्या देखा फ्रेंच ने, ठीक है, जब वो स्कूल जा रहा था, तो उसने देखा ए बिग क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी उस पर बुलेटिन बोर्ड पे, तो उसने ऐसा देखा। क्वेश्चन सेवन है, व्हाई वॉज फ्रेंच सरप्राइज व्हेन ही रीच्ड द स्कूल। तो क्यों सरप्राइज हुआ, क्यों अचंभा हुआ जब वो स्कूल पहुँचा फ्रेंच। तो इसका आंसर है देयर वॉज ए परफेक्ट काम इन द स्कूल। बिल्कुल शांति थी स्कूल में, बिल्कुल पूरी ही शांति थी, बहुत शांत था स्कूल, जैसे कि वो बंद हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका आंसर है देयर वॉज परफेक्ट काम, पूरी शांति थी वो स्कूल में जब वो पहुँचा स्कूल में। क्वेश्चन एट है, व्हाट हैपन्ड व्हेन फ्रेंच रीच्ड हिज स्कूल लेट। तो व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ जब फ्रेंच अपने स्कूल में लेट पहुँचा, तो क्या हुआ? तो आंसर है इसका द टीचर डिडंट से एनीथिंग। भाई टीचर ने उसे कुछ भी नहीं कहा, ठीक है, तो जब स्कूल पहुंचने पर, जबकि वो लेट था, लेकिन टीचर ने उसको कुछ भी नहीं कहा। क्वेश्चन नाइन देखिए आप, हु वर सीटिंग एट द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास। भाई बैक बेंचेस जो भी थे, पिछले बेंचेस जो थे क्लास में, पीछे लगे हुए बेंच थे, उनमें कौन बैठे थे, हु वर सीटिंग, कौन लोग बैठे थे उन पे? तो आंसर है इसका सम पीपल फ्रॉम द टाउन। भाई वो उस शहर के, उस गांव के लोग वहां पर बैठे हुए थे बैक बेंचेस पे क्लास में, मतलब बड़ी उम्र के लोग बैठे हुए थे छोटे बच्चों की क्लास में। तो क्वेश्चन टेन, व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट हिज लेसन। तो एम हैमल ने क्या कहा अपने लेसन के बारे में? तो उसने कहा कि भाई इट वॉज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। कि भाई उसका ये जो ये लेसन है वो लास्ट लेसन है जो कि वो यहाँ पे इस स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑर्डर, व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था? भाई क्योंकि जर्मनी ने जो फ्रेंच, जो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे एलसेस और लोरेन, उन पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, और वहाँ पे अब फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जानी थी, तो इसीलिए यही ऑर्डर वहाँ से आया था। तो इसका आंसर क्या है, ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ एलसेस एंड लोरेन। भाई जो एलसेस और लोरेन जो डिस्ट्रिक्ट्स थे दो, उनमें जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ये उसका वहाँ से ऑर्डर आया था। बर्लिन कौन, क्या है, बर्लिन कैपिटल है जहाँ से ऑर्डर आया था।
किसकी कैपिटल है? जर्मनी की। क्वेश्चन 12, व्हाट वुड द नेक्स्ट टीचर, व्हेन वुड द नेक्स्ट टीचर कम अकॉर्डिंग टू एम हैमल? एम हैमल के अनुसार नेक्स्ट टीचर, जो अगला टीचर है जो पढ़ाएगा उनको जर्मन, वो कब आएगा? व्हेन, कब आएगा? तो आंसर है द नेक्स्ट डे, तो अगले दिन ही उस टीचर ने आना था। क्वेश्चन 13 देखिए आप, व्हाट डिड फ्रेंच फील सॉरी फॉर? फ्रेंच को क्या सॉरी फील हो रहा था, किस बात का दुख हो रहा था? फ्रेंच को दुख हो रहा था नॉट लर्निंग हिज लेसन्स इन फ्रेंच, कि भी वो अपने फ्रेंच के जो लेसन थे उनको लर्न नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए उसको बहुत ही वो सॉरी फील कर रहा था, उसको बहुत दुख हो रहा था। क्वेश्चन 14 देखिए आप, हाउ लॉन्ग हैड एम हैमल सर्व्ड द स्कूल? भी कितने सालों तक एम हैमल ने सर्विस करी थी, ठीक है, कितने सालों तक उसने वहाँ पर सेवा की थी उस स्कूल में? तो आंसर है 40 ईयर्स तक उसने सर्विस की थी। क्वेश्चन 15, व्हाट डिड एम हैमल डू व्हेन फ्रेंच कुडंट टेल द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल? जब फ्रेंच जो लड़का था वो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल नहीं बता पाया तो एम हैमल ने क्या किया? तो आंसर है ही डिडंट बीट हिम, उसने उसे नहीं पीटा, ही डिडंट रिब्यूक हिम, उसने उसे नहीं डांटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 16th, व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हैमल ने क्या कहा? तो आंसर है इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, तो उसने कहा कि इस दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। तो क्वेश्चन 17, व्हाट डिड एम हैमल जो था आस्क द पीपल ऑफ द टाउन टू डू? भाई लोगों से उसने क्या करने को कहा, ठीक है, भाई जो गांव के लोग आए हुए थे उनको क्या करने के लिए कहा? तो उसने एम हैमल ने कहा टू स्टिक देयर लैंग्वेज एंड प्रोटेक्ट इट, कि भाई वो अपनी भाषा से स्टिक मतलब जुड़े रहें और उसकी प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्शन करें, उसकी सुरक्षा करें, मतलब भाषा को ना छोड़ें अपनी, भाई फ्रेंच बोलते रहें। क्वेश्चन 18 देखिए आप, अकॉर्डिंग टू एम हैमल व्हाट हैपन्स टू दोज हु आर एनस्लेव्ड स्टिक टू द देयर लैंग्वेज? भाई जो अपनी लैंग्वेज से जुड़े रहते हैं लोग उनके बारे में क्या कहा एम हैमल ने? एम हैमल ने उनके बारे में कहा दे आर श्योर टू विन फ्रीडम इन लॉन्ग रन, कि भी आने वाले टाइम में भी जो लंबा समय उनके लिए आ रहा है उसमें उनको फ्रीडम जरूर मिलेगी, ठीक है, उनकी जीत जरूर होगी आज़ादी के लिए। तो क्वेश्चन 19 देखिए आप, अगर वो अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं तब की बात यहाँ पे हो रही है, मतलब अगर वो अपनी भाषा से चिपके रहेंगे तो। व्हाट हैपेंड व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12? जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो क्या हुआ, ठीक है, तो आंसर है इसका द पर्शियन सोल्जर्स साउंडेड देयर ट्रम्पेट, तो जो पर्शियन सोल्जर्स थे उन्होंने अपने ट्रम्पेट मतलब अपने जो बाजे बैंड बाजे जो थे उनके वो बजाने शुरू कर दिए 12 बजने के साथ ही। क्वेश्चन 20 देखिए आप, व्हाट डिड एम हैमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड? तो एम हैमल ने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा? तो लास्ट में जब उसने लिखा था वीवे ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, ऐसे लिखा था ना, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर का रिवीजन हो गया है और आपको पूरा चैप्टर ध्यान में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन की मदद से आप कितने सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, बड़े क्वेश्चन भी बना सकते हैं। देखो, अल्फोंस डोडे इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन, ठीक है, एंड ए बॉय नेम्ड फ्रेंच इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी लास्ट लेसन, ठीक है, दो लाइन बन गई, ठीक है। एम हैमल वॉज ए पेट्रियोटिक टीचर, तीन लाइन हो गई। अब देखो कितने सारे आप लाइनें इन्हीं में से बना सकते हैं। व्हाट डिड फ्रेंच फियर एज ही हरिड टू स्कूल, ये वाला जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंच फियर्ड दैट ही वुड बी रिब्यूक्ड फॉर कमिंग लेट, तो ये लाइन हो गई आपकी, आपको पूरा क्वेश्चन बनता जा रहा है इनमें से ही। क्वेश्चन 5 देखो, व्हाट थॉट केम टू फ्रेंच माइंड फॉर अ सेकेंड, तो क्या उसके माइंड में आई, तो यहाँ पे आया ए थॉट टू रन अवे फ्रॉम द स्कूल केम टू फ्रेंच माइंड फॉर अ सेकेंड, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बड़े क्वेश्चन भी इसमें से बन सकते हैं अगर आप ट्राई करें तो। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्न इट विद फुल एफर्ट्स
एंड वॉच द चैप्टर इफ यू हैव नॉट सीन दैट. ओके, थैंक यू बच्चों, बाय.